ग्वालियर में उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता व पूर्व सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्वालियर झांसी रोड थाने में डॉक्टर सोनकर दो भांजों सहित चार लोगों पर जमीनी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस FIR के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल साल 2013 में ग्वालियर होरावली DBCT निवासी संजय परमार का प्रॉपर्टी का काम करते हैं। संजय की लभेड़पुरा निवासी मुकेश घई से मुलाकात हुई। उन्होंने शिवपुरी लिंक रोड की प्राइम लोकेशन पर एक जमीन दिखाई और बताया कि यहां जमीन तत्कालीन भाजपा सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के रैदास फाउंडेशन समिति की है, जिनकी पावर ऑफ अटॉर्नी मुकेश ने अपने नाम बताई। जमीन प्राइम लोकेशन पर थी और अच्छी कीमत की थी, तो कारोबारी ने मुनाफा देखते हुए जमीन के कुछ हिस्से को खरीदने की मंशा जताई और साल 2013 में ही उसका एग्रीमेंट डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, उनके भांजे जगदीश सोनकर और दिलीप सोनकर व मुकेश घई के साथ किया और अलग अलग खातों में तकरीबन 60 लाख रुपये ट्रांसफर भी कर दिए गए। लेकिन जब समय गुजरा तो उसकी जमीन की रजिस्ट्री करने की बात कही गई तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें डाल दिया गया। जब जमीन मिलने की संभावना समाप्त होती नजर आ रही थी तो फरियादी ने अपने पैसे मांगे और पैसे वापस करने के लिए कई बार कहा, बदले में वहीं बहानाबाजी मिली। इसके बाद एक दिन जब कारोबारी ने अपने पैसे मांगे तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। तब जाकर कारोबारी ने कानून की शरण ली और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताकर शिकायती आवेदन दिया। इस आधार पर अब पुलिस ने पूर्व सांसद विजय सोनकर शास्त्री, उनके दोनों भांजे जगदीश दिलीप सहित मुकेश के खिलाफ 420 की धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि उन्हें आरोपी पक्ष से कुछ सबूत मिले हैं। इस आधार पर इस मामले को जाँच में लिया गया है। पूरे मामले की विस्तृत जाँच के लिए SIT गठित की जा रही है। ये एक जमीन से संबंधित मामला था। यहाँ लोकल में रहने वाले मुकेश कुमार गई ने मुझे एक जमीन के लिए संपर्क किया और डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, जो कि पूर्व सांसद हैं बनारस मछली शहर से, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं BJP के और STACIO के चेयरमैन भी रहे हैं, उनसे मुलाकात करवाई। रैदास फाउंडेशन के नाम से एक समिति है उनकी, जिस पर उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एक जमीन का यहाँ पे करा रखा था। उसमें उन्होंने मुझे पार्टनरशिप का ऑफर किया 50% का, और 50% के 60 लाख रुपये लेने के बाद उन्होंने 30 लाख रुपये अपने अकाउंटों में भांजों के ट्रांसफ़र कराए और 30 लाख रुपये नकद लिए। लेकिन उसके बाद लगातार मुझे टरकाते रहे, ना ही तो जमीन की रजिस्ट्री करी और ना ही मेरा पैसा लौटाया, और कार्रवाई करने के लिए भी मेरे ऊपर अनाप शनाप दबाव डालते रहे। मैं जहाँ भी कार्रवाइयों के लिए गया, मैंने बहुत सारी जगह शिकायती आवेदन दिए, लेकिन चूंकि उनकी राजनीतिक पहुँच बहुत ज़्यादा है तो जगह जगह से मुझे लौटा दिया गया। अंत में आकर के अब ये मेरी FIR हो पाई है। चार लोग हैं इसमें, मैन है विजय सोनकर शास्त्री, दूसरे मुकेश कुमार गई, दिलीप सोनकर, जगदीश सोनकर। FIR दर्ज हुई है प्रॉपर्टी डीलर के साथ धोखाधड़ी हुई है, आरोप BJP के नेता पूर्व सांसद जो बनारस से ताल्लुक रखते हैं विजय सोनकर शास्त्री पर है, किस तरह की शिकायत मिली थी, क्या कार्रवाई की? ये झांसी रोड थाने पे कुछ 3-4 महीने पहले एक आवेदन आया था और उसकी जांच CSP के माध्यम से थाने से करवाई गई थी, और थाने से एक प्रतिवेदन CSP के पास में गया है। कल CSP मैडम ने खुद उस प्रकरण को पूरा देखा है और एक FIR पंजीबद्ध हुई है, जिसमें कुछ लगभग 60 लाख रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, और उस ट्रांजैक्शन के बदले जो कोई डील होनी थी प्रॉपर्टी की वो नहीं हो पाई, ऐसा फरियादी का उसमें आरोप है। उसमें FIR पंजीबद्ध हो गई है, लेकिन अब उसमें एक मैटर और अभी हमारे संज्ञान में अभी जो अनावेदक पक्ष है उसकी तरफ से आया है कि कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें अभी व्हाट्सएप किए, पर्सनली भी संभवतः वो आवेदन एक सबमिट करेंगे यहाँ पर, जिनमें उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण को थोड़ा मिथ्या एक FIR हुई है, तो उनको हमने आश्वासन दिया है कि उनके जो भी कोई बिंदु हैं, जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम जांच का हिस्सा बनाएंगे, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे, और जो भी इसमें जो साक्ष्यानुसार निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। FIR किन धाराओं में हुई है? FIR अभी 420 में हुई है, लेकिन अभी पूरा जिस तरीके से अनावेदक पक्ष ने हमारे सामने कुछ तथ्य रखे हैं, तो जो भी तथ्य आएंगे, उनका जो भी एविडेंस आएगा, उस हिसाब से इस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए चूँकि थोड़ा सा मैटर अब कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, फरियादी कुछ कह रहा है और अनावेदक कुछ कुछ और कह रहा है,
तो जो इन्वेस्टिगेशन है एक एसआईटी बनाई जाएगी और टीआई लेवल के अधिकारी से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर अभी कितने आरोपी इसमें बनाए गए? इसमें टोटल 4 आरोपी हैं, 3 यूपी के हैं, एक यहाँ का है। और लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि सारा एक इन्वेस्टिगेशन का आगे हमारे बिंदु हैं कि कितने बनेंगे, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या वास्तव में ये अपराध हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है तो किन परिस्थितियों में हुआ है, उसके क्या एविडेंसेज हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज क्या हैं और आई विटनेसेज क्या हैं। तो ये सारे अब हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, एक एसआईटी बना के इसकी हम बिल्कुल निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करेंगे। एसआईटी में कौन कौन होगा सर? वो अभी आपको उसका जैसे भी आदेश होगा मालूम चल जाएगा।